Alright guys, ZKB Sin Premier League अपने इख्तिताम को पहुंचे। मीरपुर खास टाइगर्स रहे चैंपियन। मेरे साथ मौजूद है कामरान टिसोरी साहब, जो कि गवर्नर सिंध हैं, उनसे हम राय लेना चाहेंगे। सर, SPL के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा आज का भी, और ये सफ़र भी बड़ा दिलचस्प था क्योंकि मुझे मौका मिला, जितने भी ये फ्रेंचाइज ऑनर हैं ये मैन के साथ रोड शोज़ में UK और US गया, और आज का दिन भी आप ये देखें कि क्योंकि 5 फरवरी है और कश्मीर डे भी है, और आज आप क्राउड देख लें, बड़ा चार्ज क्राउड यहाँ मौजूद है। और मेरी कोशिश तो हमेशा से ये रही और आज भी यही है कि लोग चाहे सियासत में लगे हों, इस वक्त कोई बैनर लगा रहा है, कोई झंडे उतरवा रहा है, लेकिन हम स्पोर्ट्स को, खेलों को फ़रोग देने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, बाकी भी हमारी टीम पूरी यहाँ मौजूद है, और इसी चीज़ों से हौसला बढ़ता है और कोशिश करते हैं कि लोगों को ये मौके मिल सकें कि टैलेंट बाहर आए। तो SPL की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि इन्होंने कुछ 10,000 से ज़्यादा बच्चों के टेस्ट लिए, और सिंध से जो टैलेंट है वो निकल कर आज ग्राउंड में आया है। तो मैं समझता हूँ यहीं से कोई शाहनवाज धानी निकलेगा, यहीं से कोई जावेद मियादाद निकलेगा, उस हवाले से बड़ा दिलचस्प है। और एज अ गवर्नर ऑफ सिंध, आप इसको सिंध की जीत समझते हैं या इसमें आप अभी तक जिस तरह टूर्नामेंट गुजरा है आप क्या देखते हैं इसमें, और मजीद कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? देखें, जाहिर है इस लीग के साथ सिंध का नाम जुड़ा हुआ है और सिंध प्रीमियर लीग है और पूरे सिंध का टैलेंट इस वक्त नज़र आ रहा है। मैं गवर्नर सिंध की हैसियत से और एज कामरान टिसोरी हमेशा ये कोशिश करूँगा कि सिंध प्रीमियर लीग में जहाँ जहाँ उनको मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ मौजूद रहूँ, और ये कोशिश करें कि मेरिट के ऊपर जो टैलेंट निकल कर आया है वो आगे भी आए और सिर्फ एक नाम की हद तक लीग ना हो। मैंने इनसे पहले दिन जब मुलाकात की थी मलिक आरिफ साहब से, तो मेरी उनसे ये कमिटमेंट थी और उनकी मुझसे कि मैं उस वक्त इनके साथ आके खड़ा हूँगा, और इन्होंने मुझे एम्बेसडर लार्ज बनाया कि मेरिट पे जो टैलेंट है वो इस ग्राउंड में आएगा और उसके बाद वो आगे भी पहुँचेगा। जबरदस्त। और अभी हमने देखा जैसे 6 टीमों ने हिस्सा लिया, आने वाले सीजन में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिंध के दूसरे शहर भी इसमें और इन्वॉल्व होंगे, और ये सिर्फ नेशनल बैंक स्टेडियम कराची तक ही नहीं, दूसरे स्टेडियम में भी जा सकेगी सिंध के? जानी चाहिए, कम से कम जो टेस्ट के मरहले हैं उसमें या जो बाकी टीमों के दरमियान मैचेस हैं वो पूरे सिंध में हों और फिर फाइनल नेशनल स्टेडियम में हो, ये भी कोशिश होनी चाहिए। और आपने सही कहा कि 6 नहीं 12 टीमें होनी चाहिए और स्पॉन्सर्स भी हों, लोग इस तरफ आएँ, क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग अब जो है वो स्पॉन्सरशिप से कतराते हैं और स्पोर्ट्स जो है वो अब शायद उनके लिए सेकंड प्रायरिटी हो गया है। लेकिन मेरी तमाम इस पाकिस्तान में रहने वाले साहिब सरबत लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर करें ताकि वो टैलेंट को आगे ला सकें। तो आई विश कि ये 6 से 12 टीमें हों इंशाल्लाह, और टैलेंट को आगे लाना है, और यही मकसद था ZKB सिंध प्रीमियर लीग का। कामरान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जाते आते हम नारा लगाएंगे अब खेले सिंध।